Hello everyone, in the last lecture we read about Prandtl effect. Today we will discuss about magnetic properties of solids. We are straight हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था एक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम Prandtl डिफेक्ट था. अब देखिए हमारे पास बेटा जितनी भी डिफेक्ट है सॉलिड में सबको हमने रीड कर लिया. आज से हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज एंड दैट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. देखिए बेटा सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते कैसे हैं. कोई भी चीज़ सॉलिड है मान लीजिए, ठीक है, और वो सॉलिड है तो इसका मतलब क्या रहता है. सॉलिड भाई ये भी एक मैटर है, कोई भी चीज़ एटम से ही मिलकर बना होता है. और एटम में क्या होते हैं बेटा, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. अब देखिए मान लीजिए ये हमारा मैटर है कोई, और उस मैटर में ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है. तो आपको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है ना. अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो अब देखिए जहाँ पर बेटा करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना. तो अब देखिए बेटा हमारे पास मैग्नेटाइज्ड हो गया. अब यह होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो देखिए इसकी डायरेक्शन दो ही तरीके से, मतलब दो ही हो सकती है, या तो इनवर्ड्स या तो अपवर्ड्स. मान लीजिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा इस डायरेक्शन में मूव करता और करंट इस डायरेक्शन में मूव करता तो आप क्या करते, ऐसे उंगली रखते, देखिए करंट है ना, तो करंट में की चलने की डायरेक्शन ये फोर फिंगर हो गई और ये थंब ऊपर की ओर, तो ये क्या हो गया अपवर्ड्स यानी बाहर की ओर. और इसी को अगर ये उल्टा इधर करेंगे तो ऐसे रहता है और अंगूठा नीचे इनवर्ट्स हो जाता है. तो अब देखिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई कहाँ से. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको फाइव सब्सटेंस के बारे में, फाइव टाइप्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है. कौन कौन से हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में फाइव कौन कौन से हैं. पहला आपका है बेटा पैरामैग्नेटिक, सेकंड है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, एक देन है फेरोमैग्नेटिक, देन एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड लास्ट फेरी मैग्नेटिक. बेटा आपको इन पांचों के बारे में पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक. तो अब पहला हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में. तो देखिए बेटा पैरामैग्नेटिक में क्या होता है,